नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस एमएस ऑफिस की वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एमएस ऑफिस बेसिक टू एडवांस। तो हम आउटलुक पे डिस्कस कर रहे थे और हम आपके साथ आउटलुक 2016 के ऊपर डिस्कस करेंगे बैकअप के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि जब हम यहाँ पे जब अपनी कोई भी ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो शायद आपने देखा होगा कि कॉन्फ़िगर करने के समय हम इस पे जब चेंजिंग करते हैं और इसकी जो मोड सेटिंग है, इसके अगर एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पे एक होता है कि लीव ए कॉपी मैसेज ऑन द सर्वर एंड रिमूव फ्रॉम द सर्वर आफ्टर 14 डेज। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी मेल बाय डिफॉल्ट यहीं पे क्लिक होता है, मतलब जो मेल आपके सिस्टम में है डाउनलोड हो गई, वो 14-15 दिन बाद वो मेल सर्वर से डिलीट हो जाएगी, या फिर आप यहाँ पे लिखते हैं कि रिमूव फ्रॉम सर्वर बिना डिलीटेड फ्रॉम आइटम्स, तो उसका डिलीट करें तो परमानेंटली सर्वर पे रहेगा, लेकिन ऑफिसों में ऐसा नहीं होता है, वो डिलीट हो जाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी कभी पीसी चेंज करना होता है, हमारा पीसी कभी कभी रिपेयर होता है, दोबारा से एक्सेल आपकी ऑफिस इंस्टॉल होती है, उस केस में आपकी सारी की सारी मेल्स कहाँ जाएगी और कैसे से? तो आपकी जो मेल्स है पीएसटी के फॉर्मेट में आपके सिस्टम पे होता है, तो आप अगर इस पे जाए इस पे क्या बोलते हैं यहाँ अकाउंट सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग, और जब इस पे आप डेटा फाइल पे जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका इस मेल आईडी का डेटा इस लोकेशन में स्टोर है। तो आप इस सिस्टम को फॉर्मेट करने से पहले या कुछ करने से पहले आप अपने इस पीएसटी को स्टोर कहीं कर लो, कहीं पे इसके लिए आप आउटलुक फाइल है मेरा, इस पीएसटी फॉर्मेट को आप कहीं पे कॉपी करके अलग कर, उसके बाद कॉपी करके आपके सिस्टम में अलग कर, उसके बाद जब आपका आउटलुक दोबारा से ये होगा कॉन्फ़िगर होगा, तो उस समय आप जो है ओपन एक्सपोर्ट दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिख रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे आप जाएंगे, आउटलुक डेटा फाइल पीएसटी नेक्स्ट, और यहाँ पे आप अलाउ डुप्लीकेट अलाउ करना चाहते हैं या अलाउ डुप्लीकेट क्रिएटेड करना चाहते हैं, नॉट डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको क्लियर क्योंकि ऑलरेडी है तो इसलिए नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर आपके सारी पुरानी मेल्स आपके और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ये तो हो गया मेल्स की। अब प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा आउटलुक गूगल इस्तेमाल करता था, जीमेल इस्तेमाल करता था, मेरी ईमेल आईडी और मेरी जो बाकी चीजें हैं उसी पे पड़े हुए हैं, तो मैं गूगल से अपनी ईमेल आईडी कैसे लाऊं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने हमारे इस वीडियो में सीखा कि आप अपने मेल्स को पीएसटी फॉर्मेट मेल्स को कैसे इंपोर्ट करोगे और कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो कहां से, फाइल के अंदर में अकाउंट सेटिंग्स में जाके आप पहले चेक करो कि आपका पीएसटी कहां पर से है। बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन में होता है लेकिन सम पर्सन इसको चेंज कर लेते हैं, तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, उसके बाद वहां से कॉपी करके अलग रखिए और फिर इंपोर्ट करते समय उसको यहां से आप
इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जाके, यहां से आप अपने पीएचडी को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो ज्यादा पॉपुलर हो सके और मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। अगर हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारे डीवीडी परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट iptindia.com पे लॉगिन कीजिए, वहां से आप हमारी डीवीडी को परचेज कर सकते हैं।